हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हिस्से की फरोख्त का रुझान रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 404 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,195 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तजियाकारों के मुताबिक बिगड़ती सियासी और माशी सूरतहाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नुमाया हो रहे हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगाने के बजाय हिस्से की फरोख्त में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे के इजाफे से 286.55 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के रेट बढ़ गए। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए इजाफे से 306 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तजियाकारों के मुताबिक गिरती बरामदात और कर्जो सूद की अदायगियों के बाइस जर मुबादला जखायर में कमी हो रही है। यही वजह है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफे के असर सोने की कीमत पर भी नजर आए। मकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 2,000 रुपए इजाफे से 2,37,300 रुपए तक पहुँच